वेलकम टू एजुकेशन गुरु। आप लोगों के सामने आज की जितनी भी करेंट अफेयर्स है इसी वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन गुरु, आज दिनांक 13 जुलाई 2020। आज की जितनी भी क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी है और लखनऊ गोमती नगर के किनारे बसा है। और लखनऊ ने फिर से लॉकडाउन लगाया था और जो कि आज ख़त्म हुआ है। लखनऊ सॉरी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी होगा। क्वेश्चन नंबर दो, EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत में कैंसर की तैयारी के मामले कौन सा शीर्ष रहा है? तो इसका आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। EIU के रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत में कैंसर की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया सबसे शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IEA और ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस वर्ष के बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया है? तो इसका 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी वो मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और वहाँ पर रेपिस्ट योजना चालू की है जिसके अंदर कोरोना के सभी लोगों की जांच की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ए जे जी मेडलिन स्वीगल, जो कि पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। बात अमेरिका की है तो अमेरिका ने Washington DC और वहाँ के राजधानी Washington DC है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा अमेरिका ने रोक लगा दी है पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के क्विज़ों 11 के Z-11 राकेट का पहला परीक्षण असफल रहा है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल को पर बैन लगा दिए? तो इसका आंसर होगा नेपाल ने भारतीय न्यूज चैनल को छोड़कर बाकी सभी दूरदर्शन को छोड़कर बाकी भारतीय न्यूज चैनल को बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय सॉफ्टवेयर के कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% का कम हुआ है? तो TCS की 14% का कमाई कम हुई। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।